आयोजक है मटकू मंगलम टावर गोलघर गोरखपुर। दो दिवसीय दौरे पर गोरखपुर पहुंचे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को गोरखनाथ मंदिर में लगाया जनता दरबार। फरियादियों की सुनी फरियाद, समस्याओं के निस्तारण के लिए अधिकारियों को दिए निर्देश। 1 बजे के बाद मऊ के लिए हुए रवाना। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं तथा राष्ट्रसंत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर साप्ताहिक समारोह के आजादी का अमृत महोत्सव संकल्पना से सिद्धि तक विषयक सम्मेलन में बोले मुख्यमंत्री एवं गोरक्षपीठाधीश्वर योगी आदित्यनाथ। कहा, संकल्प को सिद्धि में बदल रहा है आज का नया भारत। पराजय को कभी स्वीकार नहीं किया है भारत ने। प्रेम प्रसंग में अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को जान से मारकर धान के खेत में फेंक देने वाली कलयुगी पत्नी गुंजा व प्रेमी आमिर उर्फ गोलू को गलेरिया थाने के पुलिस ने किया गिरफ्तार, भेजा जेल। एसपी नॉर्थ ने किया खुलासा। बुधवार को गोरखपुर रेलवे स्टेशन के आउटर पर सो रही महिला को 3 अभियुक्तों ने अगवा कर झाड़ियों में ले जाकर किया गैंग रेप। दुष्कर्मियों के चंगुल से छूटने के बाद महिला ने जीआरपी थाने पर दी सूचना। महिला को मेडिकल कॉलेज में करवाया गया भर्ती। एसपी रेलवे ने कहा, तहरीर के आधार पर थाने में मुकदमा किया गया है पंजीकृत। गिरफ्तारी के लिए लगाई गई है टीमें, जल्द होंगी अभियुक्तों की गिरफ्तारी। एस्प्रा जेम्स एंड ज्वेल्स और दुनिया के नायाब हीरो की बिक्री के मशहूर डी बियर्स फॉर एवर मार्क ने मिलाया हाथ। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री मोनी रॉय ने ब्रांड को किया लॉन्च। कहा, हर हीरे की है यूनिक आईडी, हीरा तो है ही हीरा। दो सातिर वाहन चोरों सोनू उर्फ कमलेश पांडे व भोला मौर्य को कैंट थाने की पुलिस ने किया गिरफ्तार। चोरी की 2 मोटरसाइकिल किया बरामद, भेजा जेल। युग पुरुष ब्रह्मलीन महंत दिग्विजयनाथ की 53वीं एवं राष्ट्र संत ब्रह्मलीन महंत अवैधनाथ की 8वीं पुण्यतिथि पर आयोजित श्री राम कथा का भारतीय सांस्कृतिक परिप्रेक्ष्य में तात्विक विवेचन करते हुए कथा व्यास ने कहा, श्री राम जी का चरित्र विस्तृत है करोड़ों रामायण के बराबर। भगवान श्री राम कहते हैं कि जो भक्त मुझे मानता है उसे मैं भी मानता हूँ उतना ही। गोरखपुर जिला फुटबॉल लीग प्रतियोगिता का मुख्य अतिथि सीएमओ आशुतोष कुमार दुबे ने किया शुभारंभ। चरगावा फुटबॉल क्लब ने सेंट जूड्स स्कूल को 2-0 से किया पराजित। कहा, खिलाड़ियों के बीच प्रतिस्पर्धा की भावना जगाता है खेल।